सबसे पहले हेलो मैम, कैसी हैं आप? जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और कैसे कैसे आपकी जर्नी रही है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं कहाँ से हूँ, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ कि मैं नवाबों के शहर लखनऊ की रहने वाली हूँ और पैदाइश मेरी लखनऊ की है। पिछले 7 सालों से मुंबई में रह रही हूँ और अभी तक की जो भी जर्नी रही है, मुझे लगता है कि शायद मैं जहाँ से हूँ, मेरा शहर लखनऊ, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। क्योंकि आपको भी पता होगा, जहाँ पर जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं बॉलीवुड, वहाँ पर ज़बान साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ से मैं आती हूँ, एटलीस्ट वो मुझे पैदाइशी मिला हुआ है। बिल्कुल। तो उसने मुझे बहुत हेल्प भी किया, हम लोगों की जो स्क्रिप्ट होती है, जो हम लोग को डायलॉग्स बोलने होते हैं, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो अच्छी है जर्नी और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अच्छा कर रही हूँ। जी, आपका शुरू से मतलब जब बचपन से आपने मतलब सब हर युवा का एक सपना होता है कि मुझे CA बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आपने शुरू में सोचा कि मैं अभिनेत्री बनूंगी या फिर कुछ और सोचा था? सच बताओ तो मेरा ऐसा कुछ सपना नहीं था। और हाँ, ये ज़रूर था कि मेरी जो फैमिली है वो पूरा बैकग्राउंड ये समझ लीजिए कि म्यूज़िकल रहा है जी। कोई मतलब म्यूज़िक से शुरू से नाता जुड़ा रहा है। और मैं क्या साइंस की स्टूडेंट थी, मैं साइंस की स्टूडेंट थी और मुझे नहीं लगता था कि मुझे कभी गाने और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हाँ, फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है कि वो जो है हमेशा से म्यूज़िकल फैमिली रही हमारी, उसकी वजह से थोड़ा म्यूज़िक से कहीं ना कहीं लगाव था मेरा शुरू से। तो मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे फादर ने कहा ठीक है तुम साइंस पढ़ो, जो मनाए करो, लेकिन तुम म्यूज़िक भी सीखती रहो, ये एक मतलब कहते हैं ना जैसे एक कंपलसरी आर्ट है। बिल्कुल। तो मुझे लगा ठीक है, पापा इतना फोर्स कर रहे हैं तो कर लेते हैं। तो मैंने, मुझे याद है कि पापा ने मेरा एडमिशन करवाया था भातखंडे कॉलेज, जो कि लखनऊ का काफ़ी बड़ा संगीत महाविद्यालय है। वहाँ पर मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, बहुत नहीं कर पाई क्योंकि उसके 2-3 साल बाद शायद मैं मुंबई आ गई, 2-3 साल बाद। तो हाँ, मैंने विशारद तक ही किया जी। ऐसा तो जैसे आप आपने बताया कि 2-3 साल बाद आप मुंबई आ गई थी, तो सबसे पहले आपका जो सफ़र रहा है वो संगीत से रहा है जी। तो संगीत आपने लखनऊ से ही किया था या मुंबई आने के बाद लखनऊ से ही शुरू किया था? वैसे हाँ, लखनऊ से ही शुरू किया था। लखनऊ हाँ, से शुरू करने हाँ, के बाद आप यहाँ आई। यहाँ तो आने के बाद जैसे काफ़ी युवा आना चाहते हैं मुंबई, चाहते हैं कि मुंबई महानगरी है, एक्टर बनना है हमको, सिंगर बनना है, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही आ जाना चाहिए या फिर उनको कुछ तैयारी करके आनी चाहिए कि हाँ? ये बहुत अच्छा सवाल है आपको, और इससे पहले भी मैं अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में ये बोल चुकी हूँ। मुझे पहले लगता था कि जो लोग एक बड़ा सा एक कदम उठा लेते हैं, बंबई चले जाना है जी, सब आज की लैंग्वेज एग्जैक्टली मुंबई भाग जाना है, भाग के चले जाना। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी तैयारी करके आते हैं, और ख़ास तौर से जो आउटसाइडर्स हैं जैसे मैं भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़ी तैयारी करके आते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, मेरा अपना मानना है। नहीं, काफ़ी युवा ऐसे होते हैं कि उन्हें सपना आया कि हाँ मुझे तो यही करना है, एक्टिंग में ही जाना है, और घर वालों को निराश करके आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट ये तो हम कह नहीं सकते कि हाँ एक्टिंग फील्ड में कि हाँ तुमको इतना जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन उनके लिए कुछ राय है कि ऐसा ना करें या फिर कुछ अपना खुद का नौकरी वगैरह छोड़ देते हैं काफ़ी लोग? मुझे ये लगता है अपने सपनों को ज़रूर जिए, अपने सपनों को साकार करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, शायद आप अपनी मतलब पूरी ताकत से वो काम नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े ये भी है, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आप अपने सपने जी रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसका भी एक पूरा करना पड़ता है, ये है ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर सपने आए आपको, आपको लगता है मुंबई आना है, वहाँ पर कुछ करना है, और बहुत अच्छी बात है, पर अपनी तैयारी ज़रूरी है, बिकॉज वो नहीं है तो शायद पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है, तो हम पहले आप थोड़ा मेरे को बताइए कि आपकी जो फेमस मूवीज़ हैं उनका किस किस मूवी में आपने काम किया है? फेमस जो मैंने की है, नहीं फेमस भी नहीं होगी तो मूवी नहीं, मूवी चलेगा। हाँ हाँ, मूवीज़ मैंने करी है, बट जो कहते हैं ना कि आपका द बेस्ट कब आएगा, उसका अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा द बेस्ट कब आएगा। और मैंने सबसे पहले एक सीरियल किया था ZTV का, अम्मा,
जिसमें शबाना आजमी मैम और काफ़ी सारे सीनियर आर्टिस्ट थे, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया। 2017 में जी टीवी का सीरियल आता था, वो वीकेंड पे आता था, सैटरडे संडे, वो किया मैंने। देन उसके बाद मैंने एक फिल्म की एज ए लीड, भूत वाली लव स्टोरी, और फिर उसके बाद किया गन वाली दुल्हनिया एज ए लीड। देन प्रकाश झा सर की एक फिल्म थी फ्रॉड सैया, जिसमें अरशद वारसी के ऑपोजिट मैंने काम किया। तो अच्छी अच्छी फिल्में हैं, और अभी 2-3 फिल्में और हैं जो रिलीजिंग पे हैं। एक कुतुब मीनार करके है जो मैंने संजय मिश्रा सर के साथ की है, एक लव हैकर्स है जिसमें पवन मल्होत्रा जी के साथ स्क्रीन शेयर किया है। तो ये सब रिलीजिंग पे हैं। एक मंटो पे बहुत अच्छी फिल्म की है मैंने, इंटरनेशनल फिल्म है वो। तो कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, पर अब जैसे होता है ना, जैसे वही बात जो हम लोग कर रहे थे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, अभी जितना और है अभी और करना है। एग्जैक्टली, अभी और ये अगर ऐसा कंटेंट नहीं मुझे ऐसे मिले तो मैं कैसे करूँगी। तो अच्छा है, एंड वही अगेन विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अच्छा कर रही हूँ। पर हाँ, अच्छे कंटेंट को सोचती रहती हूँ कि मुझे अच्छे कंटेंट मिले। हाँ, और थोड़ा अच्छा करना। एग्जैक्टली, और अच्छे कंटेंट मिले, कैसे मैं उसमें परफॉर्म कर सकूँ। मुझे जस्ट जाके उसमें खड़े होके जस्ट हाँ डायलॉग नहीं बोलना है, मुझे परफॉर्म करना है। बिकॉज मैं थिएटर से हूँ, मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया, शुरुआत मैंने थिएटर से करी थी। तो आपको तो पता है थिएटर के लोग कैसे होते हैं, कुछ परफॉर्म करने के लिए चाहिए वैसा है। नहीं, थिएटर से हमारे काफी स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं। एग्जैक्टली, जिससे कि थोड़ा ये होता है कि कैमरा फेसिंग का थोड़ा सा इश्यू रहता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, आ जाता है, बट एटलीस्ट बाकी सारी नॉलेज आपको मिल जाती है। जी, जैसे कि आप बता रही हैं काफ़ी फिल्मों में काम किया है, तो आपके फिल्मी सफर में सबसे बेस्ट, मतलब जो डायरेक्शन, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, किसका महत्व, मतलब किसके साथ काम करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं या फिर ये एक्टर हैं? मैं एक लाइन में कहूँ तो अभी उस चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ, और अगर दूसरी लाइन में मैं ये कहूँ, मैंने जब भी जहाँ भी काम किया है उमेश, मैं मतलब सीरियसली बोलूँ, मैंने जहाँ भी काम किया है, मैं जैसे सेट पे पहुँचती हूँ मुझे लगता है मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। मैं इतना घबराती हूँ, मैं बता नहीं सकती। मैं इवन स्क्रिप्ट पहले से मंगवा लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, चाहे मेरा वो थिएटर वर्क हो, चाहे टीवी सीरियल हो, कोई एड हो, कमर्शियल हो, कोई फिल्म हो। मैं जिस दिन फर्स्ट डे पहुंचती हूँ सेट पे, मैं ऐसी घबराई हुई रहती हूँ कि आज ही मेरा MBBS का एग्जाम होने जा रहा है। तो मेरे लिए अभी तक मैंने जिनके साथ भी काम किया है, मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगा, और मैंने सबके साथ कुछ ना कुछ नया सीखा है। जी नहीं, घबराहट तो वास्तविक में होनी चाहिए, तभी आप कुछ थोड़ा अच्छा कर सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब ये फिल्म की है मैंने और इसमें थोड़ा सा कमी थी, थोड़ा और मैं सच बताऊं, मैं ना अपनी फिल्में करने के बाद देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं, मुझे लोग बताते हैं मैंने ये फिल्म देखी, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे लगता है मैं अगर देखूंगी तो मैं उसमें 10 खामियां निकालूंगी, तो मैं खुद की फिल्में ही नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है ठीक है मैं नहीं देखूंगी। नहीं, वास्तव में ऐसा होता है ना कि कभी आपने कोई फिल्म की तो प्रशंसकों का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, तो ऐसी कोई मूवी जिसपे सबसे ज्यादा आपको प्यार मिला हो प्रशंसकों का भी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसे तो कई सारी फिल्में की हैं मैंने, बट जो मेरी गन वाली दुल्हनिया है वो मुझे इसलिए पता चलता है बिकॉज मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब मुझे बताते रहते हैं कि मैंने आपकी गन वाली दुल्हनिया देखी, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। तो उससे मुझे पता चलता है कि लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं इवन। बिकॉज अभी क्या हुआ ना कि फिल्में रिलीज हुई जब, हो सकता है ज़्यादा थिएटर ना मिले हों और जो भी चीज़ें रही हों, बट अभी OTT की वजह से वो फिल्में सब लोग देख पा रहे हैं। अभी वो MX पे चल रही है गन वाली दुल्हनिया, तो मुझे सोशल मीडिया पे कई सारे लोग बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मैंने आपकी ये फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। तो पता चलता है ये लोग लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, जैसे आपका फिल्मी सफ़र रहा है तो काफ़ी मेहनत की आपने, तो सबसे पहले आपको ऐसा लगा कि मेहनत, मतलब अभी किसी दिन ऐसे हो जाते हैं कि हमको लगता है कि नहीं हमने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, या फिर कोई हमसे गलती हो जाती है, या फिर कोई ऐसा लगता है कि अब प्रॉब्लम हो गई, तो सबसे पहले आप किसी को फ़ोन करती होंगी? जैसे कि मैं कैजुअली अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ, अगर कोई भी परेशानी होती है सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ, तो आप सबसे पहले किसको बताती हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ आज? मैं अगर सच बताऊँ
तो अगर मैं किसी दिन किसी को फोन कर दूं, खास तौर से अपनी मदर और ब्रदर को, किसी को फोन कर दूं, तो वो सबसे पहले यही कहेंगे तुम सीधा लखनऊ आ जाओ. तो मैं कभी ऐसा होता भी है तो सच बताऊं, मैं कभी फोन करके ये नहीं कहती कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं कर सकती, है ना, मैं थक गई हूँ, ऐसे नहीं बोलती. क्योंकि मुझे पता है वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और जिनकी वजह से आज जो भी जहाँ भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं उनको जरा भी हर्ट करूँ. और ये जो चीजें हैं कि कभी कभी लगता है हाँ ये ऐसा होता है, और जिस तरह के हम लोग माहौल में जीते हैं सबसे बड़ी बात, तो ये चीजें होना लाजमी है. तो मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगता. ठीक है, नेगेटिव भी आते हैं थॉट, पॉजिटिव भी आते हैं, तो हम नेगेटिव वाले को इतना ये तवज्जो नहीं, काफी ऐसा हो जाता है ना कभी कभी हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा. नहीं, मेरे साथ मैं किसी को नहीं बताती, मैं एक्चुअली किसी को नहीं बताती. नो, मैं घर पे तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकती, वो लोग कहेंगे सीधा तुम घर चली आओ, क्या जरूरत है वहाँ परेशान होने की. बिल्कुल, बिल्कुल. मैं नहीं बताती. और हाँ, कभी कभी होती हूँ तो शायद मुझे लगता है मेरे लिए मेरा स्पेस जहाँ मैं रहती हूँ, मैं मेरी किताबों में, मेरे काम में ऐसे खो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि ऐसा हुआ था. फिर नेक्स्ट डे नई एनर्जी के साथ मैं उठती हूँ, वो सब भूल जाती हूँ. जी, आपने प्रकाश जी के साथ में भी काफ़ी काम किया है, तो कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगी? लाइक मैंने जितना देखा है वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं. जी जी जी. तो आप जब मतलब उनके साथ काम किया तो आपको कैसा लगा कि मतलब कैसे लोग मतलब सोशल मीडिया ज़्यादा यूज नहीं करते, लाइक जैसे पंकज त्रिपाठी जी भी नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है उनके हिसाब से या टाइम की वजह से थोड़ा ये है? मैं अभी उस दिन किसका तो इंटरव्यू देख रही थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. जॉन अब्राहम. हाँ, उन्होंने बोला है कि राइट, हाँ. मैं फोन यूज नहीं करता. एग्जैक्टली, उनके फोन पे सोशल मीडिया नहीं है. मेरे ख्याल से ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे हैं, जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, तो शायद इन चीज़ों की इतनी आवश्यकता, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी. बट आज जहाँ हम लोग जहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमें लगता है इसके बिना काम ही ना चले. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत हैं या हम लोग सही हैं, ऐसा नहीं है. वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है, उन्हें लगता है कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें लगता है कि हमें शायद इसकी ज़रूरत है. बिल्कुल, हो सकता है आगे चल के मैं भी ना यूज़ करूँ, ये भी हो सकता है. मैं कहती हूँ बहुत टाइम जाता है सोशल मीडिया पर, जो कि जाता है. एग्जैक्टली, कभी कभी मैं भी पेडअप हो जाती हूँ, आज से मैं फेसबुक बंद कर दूँगी. तो ये है, बट लेकिन शायद ये जरूरी भी है, क्योंकि हम अपने फैन से, अपने जो हमारे प्रशंसक हैं, वेल विशर हैं, हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं. और काफी मतलब ये सोशल मीडिया का थोड़ा सा मिसयूज ज़्यादा हो रहा है कि कोई खबर है तो तुरंत पहले सोशल मीडिया से जाती है, और एकदम यहाँ कोई परेशानी है तो वहाँ भी फैल जाती है. और कुछ फायदा भी हुए हैं, नुकसान भी हैं. आप देखिए, वो शायद आपने सुना होगा ना कि आप अगर अपने घर की खिड़की खोलेंगे हवा आने के लिए, तो दो चार मक्खियां और मच्छर तो आएंगे ना. तो ये लॉजिक है कि अगर किसी भी चीज के एडवांटेज है तो उसके दो चार डिसएडवांटेज भी हैं. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. और युवा मतलब आप जैसे देख रही हैं सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं युवा, तो उनको ये रहता है कि हम रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं. और मेरे हिसाब से आज का जो मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में सबसे ज्यादा युवा सोशल मीडिया पे है. एग्जैक्टली. और उनको लगता है कि हर कोई एक घर से एक्टर बन सकता है. हर किसी को लगता है कि रील्स बना रहे हैं हम एक्टर बन जाएंगे, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे. तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के इस पे ध्यान ना दें? मैं अगर सच में एक बात कहना चाहूँ, मेरे फादर ने मुझे बस एक ही चीज़ बताई थी, बेटा तुम अभिनय में जाओ, जाना चाहती हो, तुम संगीत सीखो. वो तो उन्हीं की वजह से मैंने सीखा. बट उन्होंने एक बात हमेशा कही कि बेटा सब कुछ करना, पढ़ाई मत छोड़ना. बिल्कुल. तो मुझे वो बात हमेशा याद रहती है और मेरे जहन में रहती है कि मैं अपने इतनी सारी फिल्में भी कर रही हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, बट शायद मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना है. तो मैं उन लोगों को जैसे आपने कहा, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, वो रील्स बना रहे हैं. आज शायद जो इन्फ्लुएंसर एक होता है, कहते हैं ना कि रील्स बना के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है. तो सारी चीज़ें ठीक है, बट शायद फिर मैं वही बात कहूँगी, अपनी पढ़ाई मत छोड़िए. वो हमें शायद जहाँ ले जा सकती है, आपके हर फील्ड में. अगर आज मैं अभिनय में हूँ तो मुझे मेरी पढ़ाई और ऊंचाई तक ले जा सकती है. तो अपनी एजुकेशन बीच में ना छोड़े.
आपने लखनऊ से अपनी पढ़ाई की है, तो बताना चाहेंगी आपने पढ़ाई में क्या क्या किया, मतलब बैचलर्स मास्टर्स? जी, जैसे कि मैंने बताया, मेरे फादर ने एक ही लाइन कही थी, बेटा सब कुछ करो, पढ़ाई मत छोड़ना। तो मैंने 12th किया, पहले साइंस से किया, देन उसके बाद मैंने BCA ज्वाइन किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट था। बिल्कुल मेरा जैसा, बहुत डिफिकल्ट था। तो मुझे लगा मैं बीच में छोड़ दूं, फिर याद आया नहीं पापा ने पूरी फीस भरी है। एग्जैक्टली, C++, जावा एंड ये वो। मैंने कहा यार मैंने क्यों इतना डिफिकल्ट चूज किया, बट अब करना था मुझे। तो मैंने फिर BCA कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में मैंने BA किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। देन अभी रिसेंटली मुझे LLB की डिग्री मिली है, वो भी मैंने 2019 में कंप्लीट किया। तो अच्छा, बस वही है कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई तो छोड़नी ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक ये होता है कि आपके पास एक बोलते हैं ना कि प्लान ए और प्लान बी। हाँ, तो आपके पास ए बाई चांस ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मेहनत ए पे ही करनी चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, असफल हो जाते हैं, थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ अब नहीं हो पा रहा है इसमें, तो दूसरा प्लान है आपके पास। ये लोगों के लिए होगा, बट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए प्लान ए ही मेरा सक्सेसफुल है, उसी में मैं सक्सेसफुल हूँ। बट पढ़ाई को मैं कभी बी इसलिए नहीं कहती कि जो मैं प्लान ए है मेरा, जो मैं अभिनय के क्षेत्र में हूँ, अगर मैं मेरी पढ़ाई ठीक से करूंगी तो वो मुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। पूछे कैसे? कैसे? जब हम किताबें पढ़ते हैं बहुत सारी, गबन, गोदान, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, इतने सारे लोगों को पढ़ते हैं, या जितने हमारे साहित्य आ चुके, जब आप उसे पढ़ते हो और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल, तो वो हमारी चीजों को पता है इनहांस करती है कैमरे के सामने। तो मैं इसके लिए नहीं पढ़ती कि नहीं ये प्लान ए और लोगों के लिए होगा, मेरे लिए सिर्फ प्लान ए ही है और यहाँ से अभी कहाँ ही जाना है, यही जीना यही मरना है। आप जैसे यहाँ आई थी, मुंबई आई थी, तो काफी घर वालों को बताया होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो आपका मतलब माता पिता का पहला रिएक्शन क्या था? अरे बड़े बवाल हो गए थे सच बताऊँ तो। इवन तो पता ही है यूपी वालों का, और ऊपर से ब्राह्मण, ऊपर से उत्तर प्रदेश, तो अब पता ही होगा फिर क्या होता है उनके साथ। नहीं बेटा, भाइयों ने कहा, सब लोग बड़े मुझसे, मैं घर में सबसे छोटी, सबने बोला जो भी करना है यही करना है, लखनऊ से बाहर नहीं जाना। मैंने कहा लखनऊ से बाहर नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा, मुझे मुंबई, और मुझे पहला शो यहाँ करना था ये पृथ्वी थिएटर में। तो मैंने कहा नहीं पापा जाना पड़ेगा, आप बोलो, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर पापा ने एक दिन मुझे बुला के पूछा, बेटा जाना चाहती हूँ? तो मैंने कहा आप कहेंगे तो ही मैं जाऊंगी, मैं नहीं भाग भाग के जाने वाली, मुझ में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने फिर मुझे याद है खुद ही सारी चीजें अरेंज करी मेरे फादर ने, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मेरे घर में कोई नहीं तैयार था, मेरी मॉम, मेरे भाई बहन, इवन हम, हमारी जॉइंट फैमिली है, बट वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं चाहते, बट मेरे फादर ने इनिशिएटिव लिया एंड उन्होंने मुझे भेजा। जी, जैसे कि एक सोच बनी हुई है कि एक्टिंग फील्ड में जाओगे, मतलब नेगेटिविटी तो होती ही होती है, लेकिन पेरेंट्स के मन में होता है थोड़ा सा कि नहीं मुंबई जाना ठीक नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके लिए आप मतलब बताएंगी कुछ कि ऐसा कुछ होता भी है कि ऐसे ही है? नहीं, मेरे फादर को कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए मुझे लेकर, क्योंकि जब से उन्होंने भेजा तो मैंने हमेशा उनकी आंखों में देखा, उनकी बातों से सीखा, मैंने समझा कि उन्हें कभी मुझ पर डाउट नहीं है। उन्होंने अगर भेजा तो शायद मेरा विश्वास, मेरा भरोसा देख के। आपका तो ठीक है जर्नी, जैसे आप कोई आना चाह रहा है तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि फैमिली के लोग होते हैं ना कि मतलब आप जैसे बताया कि यूपी में ऐसा है कि नहीं वहाँ क्या करोगे यहीं करो, अभी जैसे नोएडा में भी फिल्म सिटी का ये हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उससे मुंबई बेहतर रहेगा या फिर नोएडा में भी काफी ये आएगा? अभी आप मुख्यमंत्री योगी जी से भी मिली हैं, जी जी जी, तो जी, उसके हिसाब से क्या लगता बहुत है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बहुत घूम के आप आए तो बहुत अच्छे से मैं आपको ये बताऊंगी। बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि बिल्कुल सही बात है, हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जो अभी नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, मुझे लगता है अब जो मेरे जैसे जो आउटसाइडर्स कह सकते हैं, मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, शायद अब उन्हें अपना अपना शहर, अपना गाँव, अपना घर छोड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माननीय योगी जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है और इतनी बड़ी फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, वहाँ पे लाखों क्या करोड़ों रोजगार निकलेंगे, आप सोचिए। तो ठीक है, तो 8 साल पहले ये नहीं था,
बिल्कुल ठीक है, जब हम आए तब, हाँ तब आना पड़ा। अब क्या है, हर आदमी किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एडिटर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, लाइट मैन हो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जॉब छोटा जॉब नहीं होता है। एक स्पॉट बॉय का भी उतना ही काम होता है जितना एक एक्टर का होता है। तो अब मुझे लगता है वो सारी चीजें आपको अगर आपके गाँव में प्रोवाइड हो रही है, है ना, गांधी जी ने कहा था ना, अगर बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते तो स्कूल को हम बच्चों के पास लाएंगे। एग्जैक्टली, तो माननीय योगी जी ने वही कर दिखाया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। और अभी मैं समिट में थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा उन्होंने, इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है। सोचिए अब बच्चों के लिए, आने वाले जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनको अपना घर छोड़ के आने की जरूरत ही नहीं है, वहीं रह के पढ़ाई कर, वहीं रहकर अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। अगर सच में उन्हें इस फील्ड में आना है, अपने अभिनय को ही अपना ये मेन करियर बनाना है, तो वो वहीं रह के कर सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर इतनी बड़ी फिल्म सिटी सोचिए बन रही है, कितने रोजगार आएंगे, कितने। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपकी यात्रा रही है फिल्मी सफर की, तो आपको अभी क्या लगता है कि इन फ्यूचर मुझे ये सपना और पूरा करना है, ऐसा कोई आपका सपना है कि मुझे लाइक कंपनी खोलनी, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस खोलना है, या फिर कुछ ऐसा कुछ कोई सपना है आप? मुझे लगता है कि मैं अपना सपना जी रही हूँ क्योंकि जो मैं कर रही हूँ यही मेरा सपना, और मैं अपना सपना जी रही हूँ। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने BCA किया है, BA भी किया है, LLB भी कर लिया है जी, तो आप बताना चाहेंगी कि फिल्मी करियर में और पढ़ाई में क्या योगदान, मतलब पढ़ाई का आपका फिल्मी करियर में क्या योगदान रहा है? वैसे तो आपने बोला है स्क्रिप्ट वगैरह में काफ़ी मदद होती है, हाँ। लेकिन इसमें ऐसा होता है ना कि हम पढ़ाई छोड़ के फिल्मी करियर ही चूज कर लें, या फिर फिल्मी करियर चूज ना करें पढ़ाई कर लें, तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई भी जरूरी है फिल्मी करियर के साथ में? मैंने कहा तो किससे सुना था, मैं किसी सेट पे थी मुझे याद है, मैंने सुना कि सैफ अली खान साहब, सभी लोग जानते हैं उनको, तो सैफ अली खान साहब जब भी सेट पर जाते हैं वो हमेशा अपनी डिक्शनरी रहती है उनकी, उनके पास मैनुअली, और वो हमेशा हर दिन नए 10 वर्ड चूज करते हैं, उसको याद करते हैं, या मतलब जो भी। तो मैंने जब ऐसा सुना, मैंने कहा ऐसा वो क्यों करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है? तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया, जैसे आपने कहा ना, ये हमारे क्या एक्टिंग में हेल्पफुल है, नीडफुल है, नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपको बहुत वो इन्हांस करे चीज़ों को, बट सबसे बड़ी बात है, सोचिए सैफ अली खान साहब अगर सेट पे जाके थोड़ा सा टाइम निकाल के, वो लोग तो और भी बिजी होते हैं, निकाल के वो 10 वर्ड नए रोज़ सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, बिल्कुल। या हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, अगर उसे लगता है नहीं हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ अभिनय करेंगे, ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे होते हैं दिन में बहुत टाइम होता है, उसमें आप थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। मुझे लगता है ठीक है, मैंने BCA किया, और ये तो मैंने तब डिसीजन लिया था जब मैं थिएटर कर रही थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं आगे कैसे क्या होगा, मुझे नहीं पता था जी। पर हाँ, आप कुछ भी करो, आप BA करो, MA करो, एटलीस्ट अपना एजुकेशन स्टार्ट रखो जी, जी, आप वो मत, आप ब्रेक मत करो बीच में, मुझे ऐसा लगता है जी, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपने बताया ना कि काफी ज्यादा मदद, और जो एक्टिंग फील्ड में वैसे भी आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी करना पड़ता है, एग्जैक्टली डिफरेंट लैंग्वेज में करना पड़ता है आपको, अगर पॉज, कॉमा, फुल स्टॉप यही सब नहीं पता है तो आप कैसे पॉज करोगे, कैसे डायलॉग डिलीवरी कैसे करोगे आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे तो देखो इन चीजों ने बहुत हेल्प किया है। और जैसे कि मैं सिर्फ एक ही लाइन पे चलती हूँ, मेरे फादर ने कहा था बेटा सब कुछ करो, पढ़ाई मत छोड़ो, तो शायद वो भी एक बात है। लेकिन मैं सबके लिए यही कहूंगी कि इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे बीच में, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई के लिए और चीजों को लेकर इतना एक्साइटेड रहते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं, हमें उनसे सीखना चाहिए, उन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए जी। जैसे कि आपको अभी कुछ समय पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, तो आप बताना चाहेंगे वो किसके उपलक्ष्य में आपको मिला था, और जी कितने मेहनत के बाद आपको ये सब, कितने सालों की मेहनत है? बिल्कुल सही सही कहा आपने। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता था मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड, आप सबके आशीर्वाद से, और हमारे जो फैन फॉलोअर्स हैं, वेलविशर्स हैं, उनके उनके इतने अप्रिसिएशन से मुझे ये जो अवार्ड मिला, मैं एक्चुअली बहुत कृतज्ञ फील करती हूँ खुद को कि मुझे ये अवार्ड मिला। और
हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा, बट मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शायद मेरी तो मेहनत है ही है, साथ ही साथ उन सबकी भी मेहनत है जो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, मेरे काम की सराहना करते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। बिकॉज आज मुझे लगता है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी उन सबका एप्रिसिएशन है और उसकी वजह से मुझे मिला, बाकी मेरी मेहनत तो है। मेहनत तो है बिल्कुल जी। और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि मतलब कब आने वाले हैं और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे अभी एक मैंने आपको फिल्म बताई थी मंटू, मंटू की कहानियों पर आधारित है जी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म किया है। मैं खुद मेरी तारीफ कर रही हूँ जो कि कभी कभी कर लेनी चाहिए जी। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो फिल्म इंटरनेशनली रिलीज हो चुकी है। वो फिल्म यहाँ हिंदुस्तान में बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो एक फिल्म तो वो है हमारी, और एक फिल्म है कुतुब मीनार जी। एक फिल्म है लव हैकर्स, तीन फिल्में ये हैं। एक जस्ट अभी हम शूट करके आए हैं नेटफ्लिक्स के लिए बनारस में, एक फिल्म वो है मजनू सलोन उसका नाम है, और एक और सब्जेक्ट है जो मैं अभी शूट कर रही हूँ जी जी। तो काफी सारे प्रोजेक्ट हैं आप सबके आशीर्वाद से जी जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।